जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील वाकी गावामध्ये दिनांक 15 मे पासून भव्य दिव्य संगीतमय ओंकारेश्वर शिव महापुराण कथेला सुरुवात झाली असून श्रीराम वृंदावन येथील परमपूज्य श्री हरिदास जी महाराज यांच्या अमृतवाणीतून या शिव महापुराण कथेचे श्रवण भाविक करत आहेत। या शिव महापुराण कथेदरम्यान सजीव देखावे देखील सादर केले जात आहे। शिव महापुराण कथा श्रवण करण्यासाठी वाकी गावासह परिसरातील भाविक भक्त मोठ्या संख्येने वाकी येथे येत आहेत। दिनांक 22 मे रोजी या कथेचा समारोप असून या दिवशी भाविकांसाठी महाप्रसादाचे देखील आयोजन करण्यात आले आहे। Good।
शिव महापुराण भगवान की जय। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु भगवान की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमामि समेशान कथा की महिमा क्या है, वो महिमा आज हम लोगों को श्रवण करनी है। क्योंकि आप लोग कथा सुन के जब घर जाओगे तो कोई आपको पूछेगा कि भैया
आप लोगों ने शिव महापुराण की कथा सुनी, पर उस कथा की क्या महिमा है, कि शिव पुराण सुनकर क्या मिलता है, क्या लाभ होता है, यदि ऐसा कोई पूछेगा तो आपको बताने के लिए भी काम आएगा। इसलिए शिव महापुराण की जो महिमा कथा है वो हम लोग आज श्रवण करेंगे। ये जो शिव महापुराण कथा है, नाम हो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। केवल इतनी प्रार्थना करो भगवान को कि हे प्रभु, जब मेरे प्राण तनों से निकलेंगे तब मेरे मुख में केवल आपका नाम है। इतना तो करिए, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा भोला निकट हो, मेरे प्राण तन से निकले भोले भोलेनाथ भूल जाना, पार्वती जी को साथ लाना, मेरे प्राण तन से निकले भोलेनाथ नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। से निकले तो हमारे मुख में केवल आपका नाम है। तो वो जो देवराज नाम का ब्राह्मण था, मरते 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 उसके कानों पे भगवान शंकर के शिव महापुराण की कथा सुनाई पड़ी। और वो कथा सुनने का फल क्या हुआ, जब वो मर गया तो उसको लेने के लिए सबसे पहले यम के दूत आए, क्योंकि उसने जीवन भर क्या किया था, पाप किया था। जो पाप करता है जीवन भर उसको लेने के लिए भैंसा आता है। भैंसा, भैंसा देखा है किसी ने, कितना सुंदर होता है भैंसा, है कि नहीं? जो पाप करता है उसको लेने के लिए भैंसा आता है ना। इस देवराज ने पूरे जीवन भर पाप किया था, इसको लेने के लिए सबसे पहले तो यमों के दूत आए। और यम के दूत जैसे ही इस देवराज ब्राह्मण को पकड़ने लग गए, तो उसी समय भगवान शंकर के गण आए, और भगवान शंकर के गणों ने उन यमों के दूतों को भगा दिया। मार के उन्होंने कहा कि बोले, अरे इस देवराज ने जीवन भर पाप किया, ये तो हमारा ग्राहक है। तो शंकर जी के गण कहते बोले, अरे भैया जीवन भर इसने पाप किया, परंतु मरते समय में क्या सुना इसने, शिव महापुराण की कथा सुनी। मरते समय शिव महापुराण की कथा सुनी, इसलिए ये देवराज नरक में नहीं जाएगा, ये भगवान शंकर के लोक में जाएगा। और उस देवराज को उठा करके वो शिव जी के गण कहा ले गए। हो जटा में से गंगा बहाए, जटा में से गंगा बहाए, अरे बड़ा सा बोल रहा हूँ, ऐसे अलग अलग रूप बनाओ, गंगा बहाए, थोड़ा सा महाराज जी भोले रम रूपाले, बड़ा 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 करो बड़ा, सब लोग प्रेम से ताली बजा दे, अरे बड़ा सा बोल राउंड करो, गटा में से गंगा बहाए, हा हा प्रेम से ताली बजा दे, पुरुष मंडली हवा में से गंगा बहाए, ओ जटा में से गंगा।
Thank you.
बैठ जाओ सब लोग नीचे जल्दी जल्दी। उतना छोटा उस प्रेत का मुख होता है, ऐसी बड़ी भयंकर प्रेत योनि। देखो कैसा तो सुनो, ये जो बिंदुक था प्रेत बनके सारे संसार में घूमने लग गया, उनको ऊपर बुला लेना अब पूरा चक्कर। प्रेत जो होते हैं ये पूरे संसार हमारा पूरा जीवन भटकते रहते हैं, इनको खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता। यदि पानी पीना है तो गंदे नाली का पानी पीना पड़ता है। बड़ा भयंकर बनाया भाई तुमने तो प्रेत। मेरे पास मत लाना ज्यादा, मैं पहले डरता हूँ उससे। ले आओ ऊपर। आ जाओ ऊपर, आ जाओ। बस उधर उधर ही उधर, बस उधर ही रुको भैया। सीताराम, सीताराम बोलते भाग गए देखो। तो सुनो, प्रेम से सुनो कथा। तो जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था वो मरने के बाद में प्रेत बन गया। बेटा नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। प्रेत बन के सारे संसार में महाराज घूमने लग गया। दूत मार के भगा देते, इसलिए पानी भी नहीं पी सकते ये प्रेत। ऐसी प्रेत योनि बड़ी भयंकर योनि है। तो प्रेत बन के ये बिंदु घूमने लग गया, और इसकी जो पत्नी थी, क्या नाम था उसका? चुनचुला। क्या नाम था? हाँ, उसका नाम था चुनचुला। अब ये चुनचुला जो थी, अब इसने सोचा कि मेरा पति मर गया, मैं क्या करूं? तो चुनचुला जो थी वो तीर्थ यात्रा करने चली, और तीर्थ यात्रा करते 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 चुनचुला से अपने मन से पाप हो गया। चुनचुला से कुछ राजकुमार चल रहे थे, तो उनको देख करके चुनचुला का मन उनकी तरफ देख के मोहित हो गया। देखो, ध्यान देकर सुनो, बड़ी कीमती बात है। आप लोग किसी को गाली देते हो मुख से तो ये पाप है, आप लोग झूठ बोलते हो तो ये पाप है। तो ये कलयुग है महाराज। परंतु कहते बोले, हे पार्वती माता, बोले मैंने तो मरते समय मुझे तो आपकी कृपा हो गई कि मुझे शिवलोक की प्राप्ति हो गई और मैं आपकी सखी बन गई। परंतु हे मैया, हे पार्वती माता, मेरा जो पति था उसका नाम बिंदुक था। बोले मेरा पति मेरे पहले ही मर गया था, तो मेरा पति मरने के बाद में कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता, केवल आप ही मुझे बताओ कि मेरा पति क्या कर रहा है, मरने के बाद वो क्या बना, उसकी क्या गति हुई। तो पार्वती माता कहती बोले, चुनचुला सुनो, चुनचुला तुम्हारा जो पति है उसने जीवन भर पाप किया था, उसने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, पर पाप करने के कारण तुम्हारा जो पति था वो क्या बन गया? प्रेत बन गया। और प्रेत बन के तुम्हारा जो पति है बिंदुक वो विंध्य पर्वत पर घूम रहा है, प्रेत योनि में बड़ी यातना भोग रहा है। तो चुनचुला को बड़ा बुरा लगा, उसको लगा कि मैं पार्वती जी की सखी बन गई और मेरा पति प्रेत बन के घूम रहा है। तो चुनचुला कहती बोले, हे पार्वती माता, आप ही कुछ ऐसा उपाय बताओ, आप ही कुछ कृपा करो जिस उपाय से मेरा पति, मेरे पति को भी उस प्रेत योनि से मुक्ति मिले। पार्वती माता ने कहा कि आज मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, इसलिए मैं आशीर्वाद देती हूँ, मैं कुछ उपाय करती हूँ कि जिस उपाय के कारण तेरा जो पति है बिंदुक जो प्रेत बन गया है वो प्रेत योनि से मुक्त होगा। परंतु यदि उसको प्रेत योनि से मुक्त कराना है तो उसको क्या सुनाना पड़ेगा? शिव महापुराण की कथा सुनानी पड़ेगी। माने देखो, ये शिव महापुराण की कथा केवल जीव मनुष्य का ही कल्याण नहीं करती, जो मरने के बाद में प्रेत बन जाता है उस प्रेत का भी उद्धार क्या करती है? ये शिव महापुराण की कथा करती है। प्रेत का ताली प्रेम से।
साक्षात भगवान शंकर जी के गण गंधर्वराज तुम्बरु आए और वो कथा सुनाने के लिए बैठ गए। ऐसे नहीं बैठो, हाँ बराबर बराबर, ठीक है ठीक है, बैठो बैठो। क्या बात, सब लोगों को दिख रहे हैं अच्छे से? हाँ तो सुनो ध्यान से, गंधर्वराज तुम्बरु उस प्रेत को शिव महापुराण की कथा सुनाने के लिए बैठ गए। माता चुनचुला भी बैठ गई, परंतु जो प्रेत था महाराज, वो प्रेत एक जगह नहीं बैठता, वो प्रेत भटक रहा था। बोले यदि शिव महापुराण की कथा सुनानी है तो उसको एक जगह बिठाना पड़ेगा। जब तक वो प्रेत एक जगह पर नहीं बैठेगा तब तक उसको कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग शांति से कथा सुनने के लिए बैठे हो, यदि आप नाचने लग जाओगे कथा सुनते सुनते तो फिर कथा का है कि महाराज फल नहीं मिलेगा, है कि नहीं? अब ये तो प्रेत है, अब प्रेत कभी एक जगह बैठता नहीं है, यदि ये एक जगह बैठेगा नहीं तो फिर इसको कथा कैसे सुनाएंगे? तो भगवान शंकर जी के दोनों गणों ने उस प्रेत को पकड़ा और पकड़ के उसको एक जगह तुम्बरु जी के सामने बिठा दिया। बैठ जाने, क्या बात है, पकड़ के बैठो, उसको भाग ना जाए, हाँ पकड़ के रखना है, एकदम कस के पकड़ना। उस प्रेत को पकड़ के रखा महाराज और प्रेत को पकड़ा और जो गंधर्वराज तुम्बरु थे वो भगवान भोलेनाथ की सुंदर सुंदर कथा और बड़े सुंदर सुंदर संकीर्तन उस प्रेत को सुनाने लग गए। नागेश्वरा शिव नागेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वरा शिव नागेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। गोपेश्वरा शिव गोपेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। गोपेश्वरा शिव गोपेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। Thank you.
शिवा। उस बिंदुक ने जो प्रेत बन के घूम रहा था इस संसार में, चुंचला का पति बिंदुक, उसने 7 दिन तक एक जगह बैठ करके भगवान शंकर की कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद में उसके जीवन में जितने भी किए हुए पाप थे, उसने पूरा जीवन पाप किया था महाराज, जीवन में किए हुए जितने भी पाप थे तो सारे पाप उसके नष्ट हो गए। और पाप नष्ट होने के बाद में वो जो प्रेत था, वो प्रेत भी भगवान शंकर का गुणगान करने लगा, और गुणगान करते 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 वो प्रेत भी उठ करके नाचने लग गया। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलो भोलेनाथ से कोई और नहीं।
फोल्डर निराला कोई और नहीं। हाँ उनका डमरू डम डम बोले आगम निगम के वेद खोले। ऐसा भगत करक वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो महाराज जो बिंदु को था, जो प्रेत बन गया था, उसने भगवान शंकर की 7 दिन तक शिव महापुराण की कथा सुनी और कथा सुनने के बाद वो भगवान भोलेनाथ के भजन में आया और वो बिंदुक जो था वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के शंकर जी का गण बन गया। ऐसी ये शिव महापुराण की कथा है जो हम और आप लोग सुन रहे हैं। यही शिव महापुराण की कथा केवल साधारण मनुष्यों का ही उद्धार नहीं तो प्रेत का भी उद्धार करने वाली कथा है। इसलिए जिसके पूर्वज है, जिसके पितर है, जो मरने के बाद में प्रेत बन गए हैं, उनके लिए ऐसी कथा करनी चाहिए जिसके कारण उनको मुक्ति मिलती है। ऐसी बड़ी सुंदर कथा, बड़ी सुंदर झांकी आज हम लोगों ने देखी। झांकी कैसी है, सुंदर है कि नहीं? तो ये झांकी हमारे जिन्होंने बनाई, हमारे परम मित्र शिवम भैया वो खड़े हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ सब लोग। ये देखने के बाद में हम लोगों को कथा सुनकर के डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि जैसे हम लोग कथा सुनते हैं वैसे की वैसे यहाँ पर भूमिका होती है। इससे हम लोगों को आनंद भी आता है और जो कथा हम लोग सुनते हैं वो अच्छे से समझती भी। ऐसी बड़ी प्यारी झांकी आज हम लोगों ने देखी और बड़ी सुंदर कथा आज हम लोगों ने महात्म्य के शिव महापुराण की कथा श्रवण की। और आज हमारी कथा का देखते देखते दूसरा दिन है महाराज जी। और आप सभी लोगों का बड़ा धन्यवाद। अच्छा मुझे बताओ अपने साथ में दो दो तीन तीन लोग कौन कौन लाया था? नहीं लाए कि लाए? लाए हो ना, क्योंकि लोगों की संख्या तो बड़ी है। कितनी वोटिंग है? 1000। दूसरा दिवस है तो जो लोग कल नहीं आए थे वो जरा ध्यान देकर सुनना। मैंने कल भी कहा था कि ये जो शिव महापुराण की कथा है, ये शिव महापुराण की कथा हम जैसा चाहते हैं वैसा हम लोगों को फल दे सकती है, परंतु इस कथा में कुछ थोड़े बहुत नियम है, उन नियमों का पालन करना चाहिए। कौन कौन से नियम है कथा के? तो कथा की जगह पवित्र होनी चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया कि हमारी जो जगह है बड़ी पवित्र है, भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर है, सुंदर पवित्र जगह है। शुभ मुहूर्त में कथा चालू होनी चाहिए तब फल मिलता है। हमारी कथा तो सोमवार में चालू हुई है, एकादशी की तिथि थी, परंतु 7 दिन तक जो लोग कथा सुनते उनको झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अच्छा नहीं बोलना चाहिए। कल कौन कौन झूठ नहीं बोला हाथ ऊपर करो। अरे बाप रे बाप, मतलब सच कोई नहीं बोला? मैंने क्या बताया, आप सुना कि नहीं सुना आपने? कल कौन कौन झूठ नहीं बोला दिन भर में? सब लोग बोले ना, फिर कैसे फल मिलेगा हम लोगों को? यदि महाराज हम लोगों को मेवा चाहिए तो सेवा करनी पड़ती है, सेवा के बगैर मेवा नहीं मिलता। फल चाहिए तो उसके लिए कुछ साधना, कुछ तपस्या करनी पड़ती है तभी फल प्राप्त, नहीं तो ऐसे थोड़ी कि फिर एक लोटा जल चढ़ा और हम लोग भगवान को ही बताओ कि हम इतना सेवा करते फिर भी हमको फल नहीं मिलता। अरे ऐसे थोड़ी है, कुछ नियमों का पालन भी तो करना पड़ता है तभी तो हमें कुछ ना कुछ फल मिलेगा कथा सुनकर। शंकर जिना जटा माँ गंगा नी धारा, शंकर जिना जटा माँ गंगा नी धारा, शंकर जिना जटा माँ गंगा नी धारा, शंकर जिना जटा माँ गंगा नी धारा। बोला महादेवा उघड़ तिसरा डोला, महादेवा उघड़ तिसरा डोला नी दर्शन दे रे मला, उघड़ तिसरा डोला नी दर्शन दे रे मला, महादेवा उघड़ तिसरा डोला
सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। बोले शिव महापुराण भगवान की जय। श्री शिव पुराण शिव जी बोलो शिव पुराण शिव जी। इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।